तस्वीरें के साथ बदलते भारत की शान। आशा? हाँ। और कितना देर लगाओगी? मैं बस आ रही हूँ। देर हो रही है, जल्दी करो। हेलो देवम। हाँ भाभी। अच्छा, हम लोग आ रहे हैं बोरा के घर। सब कुछ ठीक तरह से चल रहा है ना? और सुनो, वो जो सब्जी काटने वाली लड़की है ना, उसके साथ गप्पे लड़ा के टाइम मत वेस्ट करना, समझी? आशा, तुम आती रहो, तब तक मैं स्कूटर निकल लेता हूँ। अच्छा ठीक है। देवम सुनो, विकास को बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए। हाँ ठीक है, ओके मैं रखती हूँ, बाय। इतनी जल्दी आ गए आज? हेलो विकास। हेलो हेलो समीर। हाँ, मैं बहुत प्रॉब्लम में फंस गया हूँ यार। प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम बता। तुम्हें तो पता ही है, मैंने होम लोन लिया था। अभी इंटरेस्ट मिलाकर बहुत ज्यादा रकम हो गई, ऊपर से मेरा पर्सनल लोन भी है। अच्छा अच्छा। पहले नोटिस में मुझे लगा कि मैं धीरे धीरे करके पूरा लोन चुकाऊं, पर कोर्ट से फाइनल नतीजा आया जहां लिखा है कि अगर मैंने 3 दिन के अंदर सूद समेत पूरे रुपए वापस नहीं किए, शायद मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है दोस्त। अब मैं क्या करूं? क्या तू मुझे कुछ मदद कर सकते हो? तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैं तेरे पैसे धीरे धीरे वापस कर दूंगा। सुनो विकास, मैं तेरा मदद जरूर करता, पर तू तो जानता ही है इस साल मेरा
सॉरी। क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? कुछ तो बात है, प्लीज बताओ ना। कोई बात नहीं है, तुम जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। तुम कोई भी बात मुझे खुल के बताते क्यों नहीं? क्या बताऊं, अगर मैं तुम्हें बता भी देता हूँ तो तुम क्या कर सकोगी? फिर भी बताना जरूरी है, आखिर बीवी हूँ मैं तुम्हारी, मुझे जानने का पूरा हक है। क्या पता शायद मैं ही कोई हेल्प कर सकूं तुम्हारी। तुम क्या मदद करोगी? मुझे काल परसों इस होम लोन के सारे पैसे बैंक को वापस करना है। क्या तुम इतने पैसे मायके से लाओगी? तुम्हारे माँ बाप की इतनी हैसियत भी नहीं कि अपने दामाद को कुछ पैसे उधार में दे सके। तुम्हें जो कुछ बोलना है मुझे बोलो, लेकिन मेरे माँ और बाबूजी की हैसियत के बारे में तुम्हें बोलने का कोई अधिकार नहीं है। क्यों अधिकार नहीं है, क्यों नहीं है? अगर एक दामाद प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं और अपनी बीबी की मायके वालों से कुछ उम्मीद रखे, उसमें क्या गलती है? आखिर ये उनके बेटी का ही तो घर है ना। तुमको ऐसी बात करने में जरा से भी शर्म नहीं आई? अरे तुम तो अच्छी तरह से जानते हो कि मेरे बाबूजी कैसे कैसे अपना घर चला रहे हैं, फिर भी तुम आशा अंदर आओ, आशा बैठो। क्या हुआ तुम्हें आशा, इतना उदास क्यों हो? दीदी मैं बहुत टूट गई हूँ, न जाने ये विकास मुझे कब समझेगा, कोई भी बात मुझे खुल के बताता ही नहीं। दीदी मैं क्या करूँ? क्या हुआ आशा, मुझे अच्छी तरह से बताओ। शायद विकास बहुत परेशान है। क्यों? पता नहीं दीदी, वो कह रहे थे कि बैंक को बहुत सारा पैसा वापस करना है और कुछ न कुछ कह रहे थे, पर मुझे समझ में नहीं आया। और मैं पूरी बात को अच्छी तरह से समझ लूं, उससे पहले ही वो बात को कहीं से कहीं ले गए। मतलब उसने मेरे बाबूजी की हैसियत को लेके बहुत कुछ सुनाया। देखो आशा, तुम इतना परेशान मत हो, तुम एक काम करो, तुम अपने देवर देवम को विकास से बात करने के लिए कहो। देवम को? हाँ हाँ, देवम को। देवम ही है जो पूरी बात सामने ला सकता है। तुम फोन करो ना उसे, अभी फोन करो। अभी? हाँ हाँ अभी फोन करो, तुम फोन करो, मैं खाने के लिए कुछ लाती हूँ। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर।
हेलो देवम। हाँ भाभी बोलिए। ठीक है भाभी, अब बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं पूरी बात जानकर आपको बताऊंगा। ठीक है, मैं रखती हूँ। हाँ हाँ रखिए भाभी। बाय। ये लो स्पेशल चाय। अब बात हो गई? हाँ हो गई, पर मैं सोच रही थी अगर पैसे 2-3 दिनों में ही वापस करनी है तो कैसे कर पाएंगे? तुम्हारे अकाउंट में कितने रुपए हैं? 2 मैं कोई भी काम आपको पूछे बिना नहीं करता हूं भैया, हर बात मानता हूं, और आप है कि एक छोटी सी प्रॉब्लम मुझे शेयर नहीं करते। ये प्रॉब्लम इतनी छोटी नहीं है देवम, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, शायद मुझे जेल भी जाना पड़े। भैया अगर आप ये प्रॉब्लम शेयर नहीं करेंगे तो सॉल्व कैसे करेंगे भैया? एक बार आप मुझे बता करके तो देखिए भैया। पर तू मैंने एक बैंक से पर्सनल लोन लिया था पिताजी के बीमारी के समय, ऊपर से घर का लोन तो है ही, तब मुझे लगा था मैं पूरा लोन आसानी से वापस कर दूंगा, पर कुछ महीने बाद मुझे वो कंपनी छोड़ना पड़ा और उसके बाद मैंने एक नई कंपनी ज्वाइन कर लिया, और अभी इस कंपनी में पहले जैसा एक्स्ट्रा इनकम भी नहीं है, और कल अचानक बैंक से फाइनल नोटिस आया जहां लिखा है भी आशा खा रही, और मैंने भी परेशान होकर गुस्से से उसे भी बहुत कुछ सुना जो मुझे बोलना नहीं चाहिए था। भैया अब अगर भाभी से पहले ही ये बातें कर लेते तो शायद आपकी परेशानी कुछ कम हो जाती। इसमें तेरी भाभी भी बिचारी क्या कर सकती? फिर भी भैया अब भाभी से कुछ मत छुपाइए। आशा? हाँ दीदी। क्या हुआ, तुम इतना घबराई हुई हो? चिंता मत करो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, सब ठीक हो जाएगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। अब देवम को फोन लगाओ तो। हेलो देवम। हाँ भाभी बोलिए। कुछ पता चला? देखिए भैया बहुत टेंशन में है। कितने पैसे होंगे? अब समझो प्रॉब्लम सॉल्व्ड। मेरे पास गूगल बैंकिंग है, इंटरनेट के माध्यम से मैं अभी तुम्हारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देती हूँ। चलो चलो आओ। हेलो। हाँ सर। हाँ नहीं, भाभी जी बहुत परेशान है, अब मुझे बताइए खाना कहाँ और कब डिलीवरी करना है, मैं कर दूंगा। नहीं 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 पैसा मैं नहीं लूंगा,
भाभी जी लेंगे। ठीक है सर, रखते हैं। हाँ हाँ हाँ, हो गया, मैंने तुम्हारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिया। अच्छा, तुम्हारे पास एटीएम कार्ड है ना? हाँ दीदी है। तो तुम्हें बैंक जाने की कोई जरूरत नहीं, किसी भी एक एटीएम में जाओ, वहाँ मनी ट्रांसफर ऑप्शन होता है, वहाँ क्लिक करके तुम्हारे अकाउंट से उस अकाउंट नंबर पर पैसे ट्रांसफर कर दो। इजी। हेलो मिस्टर हजरिका, आर यू रेडी? ओके, आई एम कमिंग। भैया आप ऑफिस जा रहे हो? नहीं, ऑफिस नहीं, मैं कोर्ट जा रहा हूँ एक वकील दोस्त के साथ। भगवान जाने आज क्या होगा, थोड़े पैसे खर्च होंगे, पर जैसी भी हो बैंक से थोड़ी मोहलत लेनी होगी। भैया बैंक से एक लेटर आया है, थोड़ी देर पहले एक आदमी आकर दे गया है। सॉरी भैया, मैं आपसे बिना पूछे लेटर पढ़ लिया है, शायद बैंक वाले आपको थैंक्स देना चाहते हैं। ये लीजिए। क्या बैंक वालों ने मुझे थैंक्स कहा? देख देवम, मजाक मत कर, वैसे भी मैं काफी परेशान हूँ। भैया अब पहले पढ़ तो लीजिए लेटर। देवम, ये कैसे हो सकता है? इतने सारे पैसे मेरे लिए कौन दे सकता है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। भैया आप पहले शांत हो जाइए, बैठिए भैया, बैठिए, रिलैक्स रिलैक्स भैया रिलैक्स। भैया इतने सारे पैसे भाभी जी के अकाउंट से दिए गए हैं। भाभी की अकाउंट से? मतलब आशा, उसके पास इतने सारे पैसे कहां से आए? आशा जल्दी आओ, आशा। भैया आपको पता है एक दिन मैंने आपको कहा था कि भाभी जी की बनाई हुई खाना लोगों को बहुत पसंद है। हाँ तो ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल, देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी के साथ। भाभी जी आजकल कैटरिंग का बिजनेस चला रही है, इस बिजनेस को आगे बढ़ाने में सपना दीदी का बहुत बड़ा हाथ है, उन्होंने हर कदम में भाभी जी का साथ दिया है और साथ ही साथ आपके इस भाई का बहुत बड़ा रोल है। और भैया मैंने क्या किया, YouTube चैनल में मैंने भाभी के नाम पे एक अकाउंट खोल लिया और उस अकाउंट का नाम रखा आशा टेस्टी किचन, और भाभी की बनाई हुई हर आइटम को मैंने खुद वीडियो किया और वीडियो करने के बाद उसको मैंने YouTube में अपलोड कर दिया और धीरे धीरे बहुत सारे व्यूअर्स होने लगे, और बहुत सारे व्यूअर्स होने के बाद YouTube चैनल
भाभी के अकाउंट में पैसा भेजना शुरू कर दिया। ये था यूट्यूब की कहानी, आप चाहे तो सर्च कर सकते हैं। भैया हम लोग 10-10 ऑफिसों और हॉस्टलों में टिफिन सप्लाई करते हैं, फिर मैरिज पार्टी, एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी और बहुत कुछ। इन सब के लिए बाजार जाना, टिफिन टाइम पर पहुंचाना, पैसा लेना, पैसा देना, ये सब इस नाचीज का काम है। ये सब कुछ तो मुझे पता ही नहीं चला। पर आसानी ये सब कब किया? बढ़िया। और देवम तू भी ना। भैया देखिए तो कौन आया है। आशा मुझे माफ कर दो प्लीज, मैं गलत था, मैंने तुम्हें पहचानने में बहुत गलती कर दी। तुम हमेशा कहती थी कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं कुछ करना चाहती हूँ, पर मैंने कभी भी तुम्हारी बातों को ध्यान नहीं दिया, तुम्हें कभी भी समझने की कोशिश नहीं की। छोड़ ना अब ये सब, तुम्हारी परेशानी मेरी परेशानी है, मैं तुमसे थोड़ी ही अलग हूँ। नहीं आशा मुझे कहने दो, मैं ये कैसे भूल गया कि आजकल नारी भी पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है हर जगह। इतने दिनों में मैं अपने काबिल बीबी को समझ नहीं सका, आज अगर तुम ना होती तो न जाने मेरा क्या हो जाता। अरे भैया अगर मैं नहीं होता तो। जानता हूँ तेरे बारे में। आशा यहाँ आओ बैठो। सपना जी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कहना, और हाँ तुम बैंक से एक पर्सनल लोन ले लो, मेरा फुल सपोर्ट है। आजकल सरकार महिलाओं को बहुत सुविधाएं दे रखी है, तुम्हारी इस कैटरिंग बिजनेस को एक नाम दिया जाए जिसका रजिस्ट्रेशन मैं करवा दूंगा, और इस कैटरिंग बिजनेस का नाम होगा आशा कैटरिंग। इस आशा कैटरिंग के जरिए तुम सबके मन को छू लोगी, और तरह तरह के पकवानों से तुम लोगों के मन को रंग दोगे, इंद्रधनुष की तरह सात रंगों में। इंद्रधनुष के रंग, 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 सबके मन को छू लोगी, सबके मन को रंग दोगी, सबके मन को छू लोगी। अच्छी है ना। ये लीजिए मैं लाया हूँ पकवानों के हथियार, आशा जी आपके लिए और सपना जी आपके लिए। रुको रुको, मैं लाया हूँ असली चीज, ये पहन लो। एक सेल्फी तो जरूर बनता है। ओके एवरीबॉडी स्माइल प्लीज। इंद्रधनुष के रंग, इंद्रधनुष के रंग, इंद्रधनुष के रंग।